आज हमारे यहाँ सीधाम वृंदावन में बाकी बारी जी श्री राधा रानी की नगरी में और बॉम्बे से पधारे हमारे पुनीत वशिष्ठ जी, जो कि हम इनको आज तक टीवी पे हम देखते हुए थे और आज इनका वृंदावन के अंदर में आगमन हुआ और आज मेरे निज निवास पर आपका आगमन है। बहुत ही सुंदर मुझको लग रहा है। आपका जन्म स्थान कहाँ का है, मैं इसी से यहाँ पर से प्रारंभ करूँगा कि आपका जो जन्म स्थान है वो कहाँ से है। पुनीत वशिष्ठ हूँ मैं, लेकिन जन्म स्थान है मुंबई, बॉम्बे। मुंबई से, लेकिन वो जो वशिष्ठ वाले संस्कार है पूरी तरह पकड़े हैं। यानी आपका कहना है कि जैसे हमारे प्रभु श्री राम जी के गुरु हुए वशिष्ठ जी, तो मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ और संस्कार भी मेरे अंदर में ब्राह्मणों जैसे ही है। और ये फिल्मी दुनिया से आप कितना समय हो गया जुड़े हुए? मेरे पिताजी सुप्रसिद्ध कलाकार थे, अभिनेता थे, मिस्टर ब्रह्मचारी, लेट ब्रह्मचारी जी कॉमेडियन थे, बहुत 250 फिल्में की उन्होंने एज एन एक्टर। लेकिन मेरा कभी एक्टिंग में मन नहीं था, मैं हमेशा निर्देशक बनना चाहता था। मैं म्यूज़िक की तरफ मेरी रुचि थी, गायन की तरफ, और मैं नृत्य में भी मतलब बड़े बड़े फिल्म स्टार को एक टाइम पे गाना डांस करना सिखा चुका हूँ। तो और मैं मानता हूँ क्योंकि संस्कार ऐसे हैं तो इसमें समझ आता है कई जन्मों की ईश्वर की कृपा है जो आज जाकर मेरे जैसे बंदे का जन्म 45 साल पहले मुंबई में हुआ है, और ये सब उसकी देन है, गॉड गिफ्ट। हम पहले भी बात कर रहे थे, आपने बोला गॉड गिफ्ट, तो गॉड गिफ्ट क्या होता है? गॉड गिफ्ट, मैं कोई नाचना सीखा नहीं, ऐसे ऐसे गिटार बजाता हूँ, मैं प्रिकॉशन बजाता हूँ, तो एक एक आभास होता है और कि हाँ ईश्वर आते की कृपा है। तो मेरे डैडी चाहते थे मैं एक्टर बनूँ क्योंकि वो एक्टर है, तो इस बारे में बहुत दुखी भी होते हैं, क्या यार मैं एक्टर है, तेरे खून में एक्टिंग है, तू एक्टिंग नहीं करता, तू ये सब करना चाहता है। तो लेकिन अभी देखिए ना, करते करते भी मतलब 20-25 फिल्में हो गई हैं और 90-100 सीरियल कर लिए पिछले 24 साल में, तो 10-15 फिल्में करने के बाद, 50-60 सीरियल करने के बाद भी मैं एकाग्रित होकर ये निर्णय नहीं कर पाया कि मैं एक्टर हूँ या म्यूजिक कंपोजर हूँ या कोरियोग्राफर हूँ या डायरेक्टर हूँ या राइटर हूँ। लेकिन आज जाकर ईश्वर की इतनी कृपा है, ऐसे आज मथुरा में आए हम राम के साथ और शाही स्नान का दिन, और ये ईश्वर की कृपा है, मैं कुछ प्लान नहीं था तो यहाँ पर आ गए हैं। और पता है कि भैया एक्टर हैं और एज एन एक्टर बहुत अच्छा अच्छा काम करने जा रहा हूँ। बाकी बिहारी लाल जी का आशीर्वाद लेने आया हूँ, भागवत जी आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, आपके बेटे कैमरा के पीछे खूबसूरत से मोहित स्वरूप जी, तो आप लोग तो परिवार हैं, और प्रगति मीडिया न्यूज़ से भी अभी नाता जुड़ गया है, तो बहुत कुछ हो रहा है हमारे वृंदावन के जो 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 बच्चे हैं जिनमें सरस्वती माँ की कोई कृपा है, किसी में कोई लेखन का गुण है या किसी में कविता का गुण है, गायन का गुण है, अभिनय का गुण है, कोई प्रोडक्शन में रुचि रखता है, कोई डायरेक्शन में रुचि रखता है, तो एक बड़े ही निस्वार्थता से उन सबको दिशा दिखाना, ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा महत्व है। आपका वृंदावन में अभी फर्स्ट टाइम आना हो रहा है या इससे पहले भी आप वृंदावन में बराबर आते रहे हैं? आते रहे हैं, लेकिन एक बार पहली बार ऐसा महसूस हो रहा हूँ कि वृंदावन नहीं अपने परिवार के घर। यानी इस बार आपको ये महसूस हुआ है कि मैं एक अपने परिवार में आया हुआ हूँ, यानी आपको एक माँ के जैसा यहाँ पर एक हमारी जो धर्मपत्नी है, कहाँ पर है जरा बुलाएं उनको जो आओ माता जी, ऐसे परवंठे खाए अभी अभी उनके हाथ के, मतलब परवंठों में नशा हो गया हमें, इसलिए मैं खटिया लेकर मतलब यहाँ पर आगे रखे सो जाऊंगा, तो इतने आओ माता जी। देखो हमारी धर्म पत्नी है साथ में, और इन्होंने मुझसे सुबह मैंने कहा था कि बेटी से मेरी बात हुई मोहित स्वरूप जी थे बेटा, बोले नहीं पापा मैं यही नाश्ता मंगवा लेता हूँ, मैंने आपकी मम्मी कह रही है कि उनको घर बुलाओ और मैं अपने हाथ से परोंठे बनाऊंगी और उनको गरम गरम परोंठे अपने हाथ से खिलाऊंगी। पहले तो हम डर गए थे कि इन्होंने बोला कि चार के बिना हम छोड़ते नहीं, चार परोंठे खिलाएंगे, बोला अरे माता जी क्या है, तो लेकिन मजा आ गया मेरे को, आधा एक खाना था दो खा गया और मजा आ गया माता जी। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी माँ का मेरे भाई का घर है यहाँ पर, पहले तो बोला वृंदावन जा रहा हूँ, लेकिन बोला वृंदावन जा रहा हूँ या घर जा रहा हूँ, अभी ऐसा हो जाएगा। देखो ये भी एक बहुत ही स्नेह है इनका कि यहाँ वृंदावन में इनका आगमन हुआ और हमारे घर पर भी आप आए जो है, और फिल्मी दुनिया से आप काफी समय से इनके पिताजी जैसा आप इन्होंने बताया मिस्टर ब्रह्मचारी जैसा, मिस्टर ब्रह्मचारी जी, उन्होंने भी करीब 250 फिल्में की है और आपके भी द्वारा काफी फिल्मों में और इस शो में
सावधान इंडिया के ऊपर में आपका काफी विलेन का रोल ज्यादा हम देखने को देखते हैं। प्लीज वो तो मुझको खुद सावधान इंडिया में ज्यादातर मैं सावधान इंडिया ही देखता हूँ। हाँ, तो इसलिए आपने देख लिया होगा सावधान इंडिया की मैंने 4-5 स्टोरी की है जो बहुत चली, टीआरपी भी बहुत मिली उसमें। बड़ा दहशत भरा खतरनाक रोल था, तो मैं पिछले 21 साल में विलेन के रोल ज्यादा चमके हैं मेरे। बल्कि मेरे पिताजी कॉमेडियन थे, अभी कॉमेडी भी बहुत करने जा रहा हूँ, डायरेक्ट भी करने जा रहा हूँ एक वेब सीरीज, और किसी में म्यूजिक दे रहा हूँ। तो ईश्वर की कृपा है और यहाँ पर आ गए, और बस अभी बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करने जा रहे हैं। आप चलिए साथ, अगर प्रगति मीडिया और भागवत जी साथ में चल सकते हो इससे क्या बेटर हो सकता है। अभी आपने मेरे को एक बात बताइए, ऑडियंस को अपने इस प्यारे प्यारे बेटे से वंचित क्यों रखा है, ये भी सबको दर्शन दे। ये हमारे बड़े सुपुत्र हैं भागवत आचार्य, बहुत उच्च कोटि के, जिनको कि वृंदावन के अंदर में 2015 में भागवत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। और अभी ऐसी चर्चा भी सुनने में आ रही है कि राष्ट्रपति जी के द्वारा भी आपको कुछ मिलने वाला है, उसके बारे में आप कौन क्या मिलेगा आपको राष्ट्रपति जी के द्वारा। जय श्री राधे। श्रीधाम वृंदावन में और जितने भी भक्त वृंदावन में शाही स्नान के लिए पधारे हैं, पहले तो सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी का स्वागत। और शाही स्नान के लिए हमारे बड़े भाई और राधा रानी के परम उपासक और भोले के सुंदर भक्त, और मैं एक शब्द यहाँ उपयोग करूँगा हमारे ब्राह्मण भाइयों के लिए, कि ब्राह्मणों के रत्न हमारे पुनीत वशिष्ठ जी श्रीधाम वृंदावन में आए हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत स्वागत। और जैसे कि अभी चर्चा यहाँ हुई कि कोई सम्मान मुझे मिलने वाला है, सम्मान तो मेरी राधा रानी मेरी किशोरी जी मुझे देंगी, पर भारत गौरव सम्मान ठाकुर जी की कृपा से 15 अगस्त के दिन मिलने जा रहा है। ये सब आपका आशीर्वाद, हमारे बड़े भाई का प्रेम, और बिहारी जी से यही प्रार्थना कि फिल्मों के माध्यम से, धारावाहिक के माध्यम से ब्राह्मण संस्कृति और हिंदू संस्कृति का प्रचार हमारे पुनीत वशिष्ठ जी करते रहें, ऐसी राधा रानी से मैं प्रार्थना करता हूँ, बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना। अवश्य, और जो भैया कह रहे हैं ना, मोहित जी कह रहे हैं कि यही है कि मैं सीधा कर सकता हूँ, अभी और पीछे भी आ सकते हैं हम लोग, कि आज तक फिल्मों के माध्यम से अश्लीलता भी की है। आप गैंगस्टर बनो, मुझको पहचान लो, मैं हूँ डॉन, ये सब फैला है फिल्मों के माध्यम से। लेकिन हम संस्कार फैलाएंगे फिल्मों के माध्यम से, ये हमारा वादा है सबसे। अच्छा, आप भी एक बार बॉम्बे गई हैं, आपने सावधान इंडिया की शूटिंग बनाई थी माताजी मेरी, वो क्या देखा था आपने वहाँ पर? अरे खून ते बड़े लथपथ पड़े, मैं बोली मैं लब बेटा जे तो खून से लथपथ हो रहे, और क्या करेंगे हम, तो क्या हो गया इनको, और आए जो अब चरणों में पड़ गए, माँ 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 माँ। अब मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अजीब लगा, फिर क्या हो गया है कि माँ कुछ नहीं है, मैं शूटिंग कर रहा हूँ। यानी इन्होंने यहाँ करके बतलाया भी था कि इस तरीके से जो है, और कौन सा वो धारावाहिक, कोई धारावाहिक बन रहा था, कोई फिल्म शूटिंग थी वो, तो उसमें आपके वहीं पर आपका पहला इनसे माता जी से आशीर्वाद आपने लिया है। जी जी जी। तो यार सावधान इंडिया और ये सब क्राइम पेट्रोल तो बहुत छोटा हिस्सा रही है मेरे जीवन को, शायद आपने वो एपिसोड देखा तो आपके ऊपर इतना प्रभाव बना दिया, बहुत ही छोटा सा हिस्सा, 3 दिन में शूटिंग खत्म हो जाती है, वो जो चीज़ बनी है वो सालों तक लोगों पर प्रभाव डालती है, लेकिन हम आगे निकल चुके हैं। जोश और क्या कहना था, स्टाइल, ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर, यू नो, ये सारी फिल्म, बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, लेकिन आज देख रहे हैं जैसे सिनेमा में सब कुछ पलट गया है और उसके हम सेंटर में हैं, तो बहुत भविष्य उज्ज्वल है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ मथुरा में सभी लोगों से, ऐसे कुछ मथुरा वृंदावन के लोगों से, पता है हिंदू या मुस्लिम के कुछ बैर की बात नहीं है, लेकिन मेरे भी बहुत मुसलमान अच्छे दोस्त हैं बॉम्बे में, और मैं ब्राह्मण संस्कार का हूँ, लेकिन मैं अपने आप को जाति पाति से ऊपर मानता हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा की कोई जात नहीं होती है। सौभाग्य है ईश्वर का कि मैं ब्राह्मण परिवार में, एक वशिष्ठ गोत्र है, मैं वशिष्ठ हूँ, बम्बई में पैदा हूँ। तो मैं बस आप लोग को यही आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, अगर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान भी देख रहे हैं कि खानों का वक्त ख़त्म हो चुका है, और जो संस्कारी बच्चे हैं, है ना, माँ बाप की सेवा करने वाले, घर के देखने वाले सिंपल बच्चे हैं, दुनिया भर की शोहरत और दुनिया भर की दौलत लक्ष्मी माँ की कृपा उन पर होगी, ये ऐसे वशिष्ठ आशीर्वाद है, और दिशा दिखाने के लिए हम हैं यहाँ पर, भाई भी हैं सब। ये श्रीधाम वृंदावन में आप खड़े हैं, और शनिवार है, और अभी आपका बड़ा ही फेमस सीरियल शनिदेव के ऊपर, मैं चाहूँगा एक छोटा सा रोल शनिदेव का, वही स्वरूप आज शनिवार के दिन, ये हमारी मांग है प्रगति में। अवश्य अवश्य, शनिदेव का बहुत सुंदर, हमने शनिदेव का किरदार निभाया था जरा, तो शनिदेव कौन थे?
उनके क्रूर दृष्टि का पात्र मत बनना, मारक दोष लगा देंगे। मारक दोष सुनिया, हर हर महादेव। सारी बॉलीवुड को हमने मारक दोष लगा दिया। क्या बात है, क्या बात है। देखो जैसा आपने एक शब्द बहुत प्यारे कहे कि न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, हम एक हिंदुस्तानी हैं। ये एक आपसे दृश्य जो लोगों में बसा हुआ है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इंसान बन जाओ। एक इंसान बनने की एक आपके द्वारा जो कहा गया कि एक हम इंसान हैं, फिल्मी दुनिया से हम जुड़े हुए हैं, ठीक है, फिर भी हम एक भारतीय हैं और एक हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं और एक हम इंसान हैं। ये पता है क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि देखिए जो सच्चा कलाकार होता है ना, वो असल तरीके से नम्र होता है, वो बड़ा ही नीवा, बहुत ही सिंपल आदमी होता है। नाना पाटेकर था सच्चा कलाकार, कहाँ है उसको काम है। ये सब नकली कलाकार अभी राज कर रहे हैं। तो अभी समय ऐसा आया है, समय काल ऐसा चला है, शनिदेव की कृपा, वाकई बिहारी लाल, समस्त देवी देवताओं की कृपा, ब्राह्मण पर, कि हमें इनको बस साइड करके एक अलग कारवां चलाने जा रहे हैं बस। अभी फिलहाल में ये सनी, क्या नाम है, शनिदेव, हाँ, मैं कहत हनुमान जय श्री राम एक सीरियल था NTV पर, जो 6 महीने पहले मैं उसमें शनिदेव बनकर आया था। तो ये ऐसा है कि मेरे घर में भी, मतलब ग्रह के हिसाब से भी शनि आया है, महादशा चल रही है मेरी। तो शनि कौन होता है, कर्म फलदाता होते हैं शनि। तो ये इंडस्ट्री वालों को तो इनके कर्मों के फल दे ही रहा था, फिर मैं NTV और शनिदेव भी बन गया। और आज शनिवार के दिन बाकी बिहारी लाल जी के दर्शन, ग्रह में शनि बैठे, तो शनि की आपार। कुंभ पर्व भी इस समय वृंदावन में, वो इतना सारा मतलब अद्भुत जादू है मेरी इस यात्रा में, कि मतलब चलते रहेगा इंटरव्यू प्रभु। जय श्री राधे।